आजीविका के लिए सुनीता ने ये साहस दिखाया तो बनारस की दो बेटियों ने बेड़ा उठाया अपने आसपास के पूरे माहौल को ठीक करने का। प्रधानमंत्री बेटों को संस्कार सिखाने की अपील लाल किले से कर चुके हैं, लेकिन ये दो बेटियां उनसे भी आगे और पहले ये बेड़ा उठा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र का एक गांव है परमंदापुर। वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में जब आप पहुंचेंगे तो यहां की दीवारें आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। ये दीवारें बदलते वक्त की कहानी बयां कर रही हैं। इन दीवारों पर चस्पा नारे बेटियों की हिफाजत की मांग कर रहे हैं और इन नारों को लिखने वाली गांव की दो बेटियां हैं, यास्मीन और नंदिनी। परमंदापुर में कोई स्कूल ना होने के कारण ये दोनों बेटियां 4 किलोमीटर दूर हरसोस गांव के कन्या विद्यालय में पढ़ने जाती हैं, जहां यास्मीन 11वीं की छात्रा है तो नंदिनी 10वीं की पढ़ाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों की तरह ही यहां भी दबंगों की सरेराह छिड़काने की वजह से बेटियों को स्कूल जाने में मुश्किलें आती थी। गांव के लोगों ने इसके खिलाफ पंचायत से लेकर पुलिस तक सब जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कई परिवारों ने बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। यास्मीन और नंदिनी के परिवार ने भी यही सलाह दी, लेकिन यास्मीन और नंदिनी को ये स्वीकार नहीं था। अन्याय के खिलाफ नहीं झुकने का फैसला इन दोनों बेटियों ने किया और 2013 में गांव में बाल पंचायत का गठन किया। गांव की दो बेटियों का ये प्रयास बेहद साहस भरा था, लेकिन पहला कदम बढ़ाया तो बनारस की मानव जन निगरानी समिति ने भी साथ दिया। गांव के मजदूरों की बेटियों की ये पहल शुरू में किसी को भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इन दोनों ने घर घर जाकर माता पिता को समझाया, नुक्कड़ नाटकों के जरिए अपनी बात रखी। नतीजा ये हुआ कि इलाके में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा और साल 2013 में शुरू की गई इनकी बाल पंचायत अब आसपास के इलाके में एक मुहिम बन चुकी है। ये एक संयोग ही है कि देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2014 को बेटों को ट्रेनिंग देने की पैरवी करते हैं, तो उनके संसदीय क्षेत्र में ये शुरुआत वहाँ की बेटियाँ पहले ही कर चुकी हैं। यास्मीन और नंदिनी की पहल ने पूरे देश के माता पिता को एक उम्मीद जगाई है। तो देश में ये अकेली पंचायत है जो बेटियों के हक के लिए गांव की दीवारों को ही अपने साथ लेकर चल रही है और हर बार कहती है बेटियों के बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, उस सीमा को तोड़ेंगे तो पंचायतें भी बनेंगी और फैसले भी होंगे। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। बेटियां घर को सजाती हैं, परिवार को संवारती हैं और समाज को भी समृद्धि की तरफ ले जाती हैं। बस जरूरत है ऐसी बेटियों को सम्मान देने की, उनकी बात को तवज्जो देने की। देखिए बिहार के महादलितों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करती एक बेटी। चूहे पकड़ना, चूहे मारना और चूहे खाकर भूख मिटाना। चूहों की तरह ही जिंदगी बिताना और एक दिन फिर चूहों की तरह ही मर जाना। शायद सुनकर आपको हैरानी हो और ये तस्वीरें आपको परेशान भी करें, क्योंकि तस्वीरें डराती भी हैं और आंखों में आंसू भी लाती हैं, कुछ सोचने को मजबूर भी करती हैं तो रास्ते तलाशने को प्रेरित भी। और ऐसे ही रास्ते निकालने का फैसला किया साइकिल वाली दीदी ने। बिहार के दानापुर की सुधा दीदी और उनकी साइकिल। लगभग 50 बरस से जारी है ये सफर, जिसका मकसद है दुनिया की सबसे पिछड़ी कौमों में से एक मुसहर जाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और इसके लिए सुधा दीदी ने हथियार बनाया साक्षरता को। सिस्टर्स ऑफ नॉटरडेम संस्था से जुड़ी सुधा ने मुसहरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए और फिर दानापुर के जनसौत गांव को अपना केंद्र बनाया। 21 साल तक मुसहरों के टोले में रही। शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता, कुष्ठ रोगियों का इलाज, कुपोषण, नशा मुक्ति और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर काम किया। कूड़ा घर और भीख को छोड़कर स्कूल और गर्ल्स हॉस्टल को मंदिर की तरह पूजा। पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखी
और विदेशों तक परचम लहराया। गूंज देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंची। सुधा के संघर्ष को सराहा गया और 2006 में राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन इस बेटी को पीड़ा है कि आज भी ज्यादातर दलित बदतर हालात में जीने को मजबूर है। इसीलिए नारी गुंजन का जिम्मा संभाल रही सुधा इस लड़ाई में जुटने के लिए लोगों से अपील कर रही है। दक्षिण भारत की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। कोशिश जमीन पर रंग ला रही है तो हिम्मत व्यवस्था में भी बदलाव का जरिया बन रही है। लेकर चलते हैं आपको हरियाणा। घटते लिंग अनुपात के बीच बेटियां यहां पर खाकी की शान बढ़ा रही है। देखिए एनसीआर से सटे रेवाड़ी में राष्ट्रपति अवार्डी ममता सिंह की कहानी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सीमा से सटा है हरियाणा राज्य और इसी हरियाणा के रेवाड़ी में चौतरफा अपराधों पर लगाम कसने का काम कर रही है आईजीपी साउथ ममता सिंह। औद्योगिक नगरी और एनसीआर की चमक धमक के बीच रेवाड़ी मेवात का हिस्सा है। ज्यादातर लोग अशिक्षित और बेरोजगार हैं। ऊपर से तीन राज्यों से सटी सीमा एक बड़ी चुनौती। राष्ट्रपति पदक विजेता ममता सिंह इन्हीं चुनौतियों के बीच कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए हर पल चौकस रहती हैं। 1996 में हरियाणा कैडर में चयनित होने वाली ममता सिंह ने एमबीबीएस छोड़कर पुलिस सेवा को चुना क्योंकि ये सपना माता पिता ने देखा था। पांच भाई बहनों में अकेली गजेटेड ऑफिसर बनने वाली इस बेटी ने अलीगढ़ का नाम रोशन किया तो मानवाधिकार आयोग में बतौर डीआईजी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल हासिल किया। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में नक्सली घटनाओं के खिलाफ और मानवाधिकारों के पक्ष में उनकी तफ्तीश ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई तो गृह मंत्रालय ने ममता की संवेदनशीलता और समर्पण की वजह से जेल सुधारों पर बनी कमेटी का सदस्य बनाया। आज भी दफ्तर में आम लोगों की शिकायत हो या फिर घर में तीन बच्चों की परवरिश, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की वजह से ही रेवाड़ी जैसे संवेदनशील इलाके में ये महिला पुलिस ऑफिसर कानून का झंडा बुलंद कर रही है। देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम ममता करती हैं। तो महाराष्ट्र में एक ऐसी बेटी है जिसकी मदद से मुंबई पुलिस अपने केस सुलझाती है। जासूसों की दुनिया में पहला कदम रखने वाली इस बेटी को लेडी जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। रजनी पंडित, ये वो नाम है जो पिछले 25 सालों से माया नगरी के रहस्यों का पर्दाफाश कर रही है। देश की पहली महिला डिटेक्टिव। 1985 में जासूसी को बतौर पेशा अख्तियार करना सहज नहीं था, लेकिन सीआईडी इंस्पेक्टर की बेटी ने कई बार लोगों को अपने घर से परेशान वापस जाते देखा था क्योंकि पिता पुलिस सेवा में थे और हमेशा रिपोर्ट लिखने के बाद ही काम शुरू कर सकते थे। सबूत के बिना केस नहीं बनता था तो वर्दी कानून के दायरे में ही पड़ताल कर सकती थी। ये सारी बातें रजनी को परेशान करती थी। यही नहीं, कुछ लोग पुलिस केस से दूर रहते हुए अपनी परेशानियों का समाधान चाहते थे। ऐसे ही लोगों की गुत्थियों को सुलझाने का जुनून रजनी के जासूस बनने का कारण बना। पैंतालीस साल की उम्र में 15 घंटे नियमित काम और देश की आर्थिक राजधानी में रहते हुए पैसे से ज्यादा तवज्जो क्लाइंट के केस पर देना बिना जुनून के मुमकिन नहीं था। जोखिम काम में है तो संतुष्टि परिणाम में। लिहाजा रजनी ने डर शब्द को जीवन से निकालकर दूसरों के चेहरों पर खुशी का रास्ता चुना। मुंबई के थाने की ये बेटी न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर में सम्मान के साथ पहचानी जाती है। लेडी जेम्स बॉन्ड के नाम से इन पर डॉक्यूमेंट्री बनी है।
तो अपने जासूसी अनुभव पर लिखी किताबों के लिए कई अवार्ड भी। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से विद्या बालन की बॉबी जासूस तक जासूसी मुंबईया फिल्मों का पसंदीदा विषय रहा है, लेकिन रियल लाइफ में रजनी पंडित ने कैसे इस पेशे को अख्तियार किया, जानने के लिए आज खुद रजनी पंडित हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो उस वक्त जो बचपन में आपका शौक था, हाँ, उसे पेशा बनाना, हाँ, कितना व्यवहारिक था? बिल्कुल व्यवहारिक नहीं था। लोग बोलते थे ये क्या व्यवसाय है जो आप चुन रही है, जो जो लोग मुझे मिले और क्या करती है इसे पूछा तो मैं बोलती थी मैं डिटेक्टिव हूँ, तो लोग हंसते थे मुझ पर, डिटेक्टिव बनना औरतों का काम ही नहीं है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जैसे जैसे मेरा सक्सेस होने लगा काम, तब से लोग आज इज्जत के साथ मुझे देखते हैं। इसे पेशा बनाना और उसके बाद उसमें सफलता हासिल करना, शुरुआती बहुत चुनौतियाँ रही होंगी? काफ़ी चुनौतियाँ रही थी। मैंने जब स्टार्ट किया तो लोग बोलते थे कि ये काम औरत का नहीं है, कोई बोलते थे ये क्या करेगी, कोई ऐसे पैसे वाले लोग आते थे जैसे बोलते थे पैसा ले लो और जो चाहिए हो हमें को, हम लोगों को प्रूफ दे दो, ऐसे अलग अलग टाइप के लोग देखे। लेकिन जब स्टार्ट किया तभी कोई काम देने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ किसी का प्रॉब्लम हो, जहाँ रहती थी वहाँ किसी का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करके मैं देती थी, तो ऐसे मेरी माउथ पब्लिसिटी हो गई। फिर मैंने 2-3 केसेस की, उस पर एक रिपोर्टर की केस मेरे पास आ गई, और वो काम सक्सेस होने के बाद उन्होंने मेरे को पब्लिसिटी दी, तो वो रिपोर्टर आपके लिए एक तरह से मददगार साबित हुआ। आपकी रिपोर्ट छपी अखबार में, उसके बाद लोगों ने आप पर भरोसा करना शुरू कर दिया। फिर लोग किस किस तरह के केसेस लेके आने लगे आपके पास? फिर कोई बोलते थे कोई किसी को अपने हस्बैंड के बारे में शक था, किसी को अपने बच्चों का प्रॉब्लम था, किसी को अपने दामाद, जिसको एक की बेटी है और दामाद को सब देना चाहती लेकिन दामाद का नेचर कैसा है, अलग अलग टाइप के लोग आने लगे। किसी के कंपनी में चोरियाँ होती थी, कोई बोलते थे कि मेरा बेटा लापता है, तो ये काम का कुछ अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था। फिर अनुभव ही मेरा गॉड है, एक्सपीरियंस ही मैं सब कुछ सीख गई हूँ कि आज मेरे पास एक काम आया तो मुझे किस तरह से करना है। और जैसे अखबार में आया तो 5वीं या 6वीं केस मेरी मर्डर केस थी, जिसमें एक औरत ने पहले अपने हस्बैंड को मारा था और उसके बाद अपने बेटे को शक हुआ कि अपना माँ का कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसने लोगों को बता दिया था कि नहीं तुम एक काम करो मेरी माँ के ऊपर नज़र रख के मुझे खबर दे दो। तो सब फ्रेंड जो लोग थे उन्होंने उनको बता दिया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे ऊपर शक करता है, तो उन्होंने बोला कि ये भी मेरे रास्ते में आ रहा है तो उसको भी हटाना चाहिए। तो गाड़ी से जा रहा था तो बाइक आ गई बीच में, तो उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो ग्लास नीचे करके गाली दी कि बीच में क्यों आया, तुरंत उसके ऊपर गोली चलाई गई और ऑन द स्पॉट हो गया। उसके बाद पुलिस बोलते थे कि जिसने मर्डर किया है वो आदमी लापता है, मिल नहीं रहा है। तो वो लोग बोले आपका ये काम कर सकती है क्या, उनके रिलेटिव बोले, तो मैंने करूँगी देखती है ना कोशिश करके। तो बोलते जिसने अपने हस्बैंड को मारा है, बेटे को मारा है, वो आपको भी मरवा सकती है, तो आपको डर नहीं लगता है? मैंने डर किसी चीज़ का नहीं है मुझे, मैं यहाँ बैठी ऊपर से छत गिर जाएगा तो भी मर जाऊँगी। तो किसी का काम करते करते मौत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको न्याय दूंगी मैं। तो हमने बाहर से काफ़ी कोशिश की काम करने की, लेकिन बाहर से उसका आना जाना रात का था। तब आपकी उम्र कितनी थी? मैं 23-24 साल की थी। 23-24 साल में तो रियल लाइफ की इस जासूस के जीवन में इंस्पायरिंग कौन है, कौन सा वो कैरेक्टर है जो इन्हें बताता है कि कैसे अपने इस पेशे को आगे बढ़ाए, समझेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं देश की पहली महिला डिटेक्टिव, जिनके नाम पर अगर कहें बॉबी जासूस फिल्म में विद्या बालन ने भूमिका निभाई है। लेकिन रजनी जी, क्या फिल्म डायरेक्टर ने, विद्या बालन ने आपसे पहले बात की थी? जी नहीं। लेकिन आपका मानना, हाँ, है कि वो नहीं, क्योंकि उनको इंटरनेट पे मेरी बहुत सारी जानकारी थी और कोई जासूस है ही नहीं, पहली जासूस मैं ही हूँ, ये सब ने माना है। तो उसके बाद उनके जब इवेंट हो गए ना तभी मुझे बुलाया गया था।
वो कहानी जो दिखाई गई है वो हाँ, भी आपके जो केसेस हैं उनसे मिलती जुलती है, उनसे थोड़ी सी मिलती जुलती है। लेकिन विद्या बालन जी ने क्या किया कि एक एक केस के लिए बहुत सारी भूमिकाएं की है, उतनी जरूरी नहीं होती। और कोई भी आकर आपको पैसा दे और आप काम करें, उसके पीछे उसका क्या ये है वो जानना बहुत जरूरी है। राज रियल लाइफ में रियल कुछ लाइफ अलग होता में ऐसा है। नहीं होता वो है। अलग क्या होता है? अलग वही होता है कि पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या है कि शक इतनी बुरी चीज होती है कि शक की वजह से लोग खुदकुशी करते हैं, शक की वजह से जिंदगी बर्बाद होती है, डिप्रेशन में जाते हैं। तो जब मैं मुझसे बात करते हो लोग, तो मैं पूछती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है आपके हस्बैंड के बारे में, तो बोलती ने मुझे सिक्स सेंस है। कभी कभी 40 एज जब होता है तो औरतों को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड का कहीं और चक्कर चल रहा है, क्योंकि लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते। पर्सनल जो केसेस होती है कि मेरे हस्बैंड कहाँ गए या मेरी वाइफ क्या कर रही है या मेरे बच्चे कहाँ गए हैं, तो ये जो लोगों का प्रॉब्लम है वो जानने के लिए साइबर का या नेट पे किसी की पहचान होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, वो झूठे झूठे नाम लेकर अपनी सब कहानियाँ बताते हैं और सब इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कितना गलत है। मुंबई में फिल्मी सितारे भी आपके पास पहुंचते हैं जासूसी करवाने के लिए? आते हैं। किस तरह के केसेस आते हैं उनके? वही कि शूटिंग के बहाने लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ संबंध है, ये सब जानने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा दिमाग उसी पे रहता है। किसी के ऊपर कोई आरोप होता है कि कुछ भी रेप का हो या कुछ भी हो, तो वो भी जानकारी लेने के आते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, किसने नाटक रचाया है। शादी क्यों नहीं की आपने? मेरे पेशे से हो गई, मैं इतनी छोटी उम्र में ये पेशे में आई तो मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। 75,000 केस बहुत बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है। आप लोगों में से कुछ जासूस बनना चाहेंगे? कितने लोग जासूस बनना चाहेंगे? देखो कितनी लोग तैयार है। तो ऐसा नहीं, लेकिन, जो भी कोई लेकिन लड़कियां आपके पास फिर भी ज्यादा क्यों नहीं आई? लड़कियां इस पेशे में ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ रही? ऐसा लग घर वालों नहीं परमिशन देते हैं ना, इसके लिए नहीं आती है। फिर भी आज देखो एक मेरे पास शादीशुदा लड़की है, वो सीखने के लिए आई, उसने खुद का शुरू किया है। पिताजी बड़े नाराज हुए थे जब आपका जन्म हुआ था। हाँ। लेकिन जब आपको इस मुकाम पे देखा तो उन्होंने अपनी खुशी कैसे जाहिर की? बाद में बोलने लगे लोग, जब बोलने लगे ना कि रजनी पंडित के पिताजी, तो बोले अभी मेरा नाम लोग भूल गए और आपके नाम से लोग जानने लगे। ये बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सवाल। पूछिए पूछिए। हेलो मैम, मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब डिटेक्टिव में अपना कैरियर शुरुआत की थी, उसके बाद आपने सबसे ऐसा केस आपके सामने कब आया जिसमें आपको सबसे ज्यादा दुविधा और प्रॉब्लम हुई और खतरनाक भी रहा हो? ये मर्डर केस जो अभी मैंने बताई ना, हाँ वो मेरी क्या 5वीं या 6ठी केस होगी, और वो बहुत ही मुझे आह्वान जैसे कहते हैं ना कि चैलेंज था मेरे लिए कि इसके साथ कैसे काम करना है, कैसे उनको पकड़ना है। तो दिन रात मैं वही सोचती थी कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। 6 महीना मैं वहाँ रुकी थी, लेकिन उन लोगों ने पहचाना नहीं, तो ये मेन काम होता है। मेरा नाम विक्रांत सिंह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस देश में और डिटेक्टिव एजेंसियाँ खोलना चाहेंगे ताकि नई पीढ़ी के लोग भी इस काम में आ सके? ज़रूर खोलना चाहूँगी। मुझे काफ़ी लोगों ने इधर दिल्ली में बोला है, गोवा में बोला है, नागपुर, काफ़ी कंट्रीज में बोला है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मैंने जितना मेरा नाम रखा है आज की, चलो ये लालची नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी नहीं करती, वैसा नाम रखना बहुत ज़रूरी है। आज लोग विश्वास के साथ अपने पास आते हैं काम लेकर, और उनका विश्वासघात करना बहुत बुरी चीज़ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जासूसी के पेशे में आप खासतौर से क्या क्या सावधानियाँ रखती हैं? हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, तेज दिमाग होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई आ रहा है क्या। हम जिससे बात करते हैं, हमारी अभी टीम है 20 लोगों की, तो टीम में कोई अपने घर पे भी ये बात करता है कि नहीं, वो भी हम जाट पत्र करते हैं कि भाई देखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो क्या पब्लिसिटी एक बार हो जाती है कि मैं मैम के पास से ये काम कर रहा हूँ, कोई आर्टिस्ट है, किसी कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो सीक्रेट से रखना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज संभाल के करेंगे तो आप भी सक्सेस हो सकती है इस पेशे में। मुंबई तक ही है या फिर मुंबई के अलावा किसी और स्टेट्स में है? बाहर यूएसए में है, यूके में है, दुबई में है, सब जगह चलता है। वहाँ की लड़कियाँ कभी फंस जाती है, यहाँ का कुछ मालूम नहीं होता है, कभी लड़के वहाँ की लड़के से शादी करना
चाहते तो भी पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जब तक हौसला नहीं होगा तब तक फैसला भी नहीं होगा। रजनी पंडित ने साहस दिखाया तो साथ समाज ने भी दिया। जरूरत आपके आसपास की ऐसी बेटियों के ऐसे प्रयासों को उत्साहित करने की है। कोशिश हमारी है, साथ आपका चाहिए। मिलकर हम अंधेरों को मिटाएं तो कोई बात बने, एक नया सूरज निकालें तो कोई बात बने। इसी तरह से हम मिलाते रहेंगे आपको देश की ऐसी ही बेटियों से। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।